बड़ी खबर आपको बता दें, जहां क्राइम सीन पर एसआईटी की टीम पहुंची है और एसआईटी के साथ एफएसएल की टीम भी यहां पर मौजूद रही। करीब आधे घंटे तक क्राइम सीन पर न्यायिक आयोग की जांच की तस्वीरें आपको टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां आपको बता दें जांच आयोग के सदस्यों ने घटनास्थल का पूरा नक्शा भी तैयार किया है। हालांकि जिस तरीके से पूरे मामले की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये क्राइम सीन का नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। न्यायिक आयोग जिस तरीके से पूरे मामले की जांच कर रहा है, एसआईटी जिस तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है, एफएसएल की टीम के साथ आज उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ। और इस बीच कैसे पूरा एक नक्शा तैयार किया जा रहा है, यानी ना सिर्फ उस लोकेशन पर पहुंचकर, उस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे इलाके का मुआयना किया गया है, बल्कि यहां पर आसपास के लोगों से तो पूछताछ हुई है, लेकिन जिस तरीके से ऑन कैमरा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, अब मामले की जांच के तहत आधे घंटे तक यहां पर क्राइम सीन को देखिए कैसे नक्शे के आधार पर समझा जा रहा है, और घटनास्थल पर पहुंची टीम कैसे पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पंकज झा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, इस जांच के तहत क्या बड़ी खबर आज सामने आई है, क्योंकि वो नक्शा दिखा रहे हैं कैसे इस पूरे क्राइम सीन पर पहुंचकर एक पूरा नक्शा तैयार किया गया घटनास्थल पर। करीब 35 से 40 मिनट तक न्यायिक आयोग की पूरी टीम यहां पर इसी स्पॉट पे थी, और तीनों लोग जो जस्टिस अरविंद त्रिपाठी और सुभेश सिंह और ब्रजेश सोनी, इसमें से दो आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और जो जगह दिख रही है ना वाइट स्पॉट वहाँ पर, और ये गेट है यहाँ पर जो मैं आगे का हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे अतीक और अशरफ को उस दिन लाया गया था 15 अप्रैल को, तो गाड़ी वहीं रुकी थी। फिर वहाँ से दिखाऊंगा, धीरे धीरे करके पैदल दोनों को लाया गया था, इस जगह पर फायर की गई थी। डायग्राम पर ही बताया गया था कि अतीक और अशरफ की पोजीशन कैसी थी, दोनों किस कहाँ कहाँ पे खड़े थे, दोनों पर फायर किस तरीके से की गई, जो हमलावर थे वो कहाँ कहाँ पर खड़े थे, पहले किसने फायर किया। आपको बताऊँ कि जो कांस्टेबल मान सिंह जिसको गोली लगी थी, उसको भी आज खास तौर से यहाँ लाया गया था, उससे न्यायिक आयोग के सदस्यों ने बातचीत की, उससे सवाल पूछे। उसके बाद गेट से उस स्पॉट की दूरी जहाँ पर फायरिंग हुई थी वो, और फिर जहाँ पर गाड़ी रुकी थी वहाँ से इस जगह की दूरी, उसको इंच टेप से नाप करके पूरा ब्यौरा लिया गया है। और थोड़ी देर में जो मुझे जानकारी मिली है कि एफएसएल की यानी फॉरेंसिक टीम जो है वो एक बार पहले भी आई थी, दोबारा फिर से फॉरेंसिक टीम यहीं पर आएगी, और उसने जो उस दिन जिस दिन वारदात हुई थी, जिस दिन घटना हुआ था, सारे सैंपल्स लिए थे, ब्लड सैंपल, हथियार, कैमरा, माइक, प्रेस आई कार्ड, उन तीनों आरोपी जो भी मिला था उन सबको कलेक्ट किया था। एक बार फॉरेंसिक टीम फिर यहाँ से आएगी, और फिर से जो न्यायिक आयोग के सामने एक तरीके से सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई थी, फिर से फॉरेंसिक टीम वही एक्सरसाइज करेगी, एक एक ब्यौरा बनाया जाएगा। उसके बाद न्यायिक आयोग और एसआईटी की टीम यहाँ से जब एफएसएल की टीम जाएगी, तो तीनों टीमें बैठ कर न्यायिक आयोग के साथ बैठेगी, और इस पर चर्चा होगी कि क्या क्या ब्यौरा हुआ है, उसमें जो एफआईआर लिखी गई थी वो, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था वो, तीनों आरोपियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए थे, सारी फाइल लेकर यहाँ न्यायिक आयोग की टीम आई थी। पंकज जी, बड़ी जानकारी और सीधी तस्वीरें आपने यहाँ पर दी हैं कि किस तरीके से पूरे मामले की जांच अब की जा रही है, न्यायिक आयोग की टीम तो पहुंची है और साथ ही कैसे नक्शा बन चुका है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करना चाहेंगे, क्योंकि बड़े खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड में जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, असद के व्हाट्सएप ग्रुप में अतीक का कातिल जुड़ा था, ये अगली बड़ी खबर है, जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप शेरे अतीक से शूटर अरुण मौर्य जुड़ा हुआ था। ग्रुप में अतीक के वर्चस्व से जुड़े वीडियो भी कैसे शेयर किए जाते थे, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। बाद में शूटर अरुण ने असद का ग्रुप छोड़कर गैंग 90 का एक ग्रुप ज्वाइन किया था। हालांकि इस पूरे मामले पर हो रहे खुलासों के साथ साथ टीवी 9 भारतवर्ष आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी दिखा रहा है, जहां पर अब कैसे नक्शा तैयार किया जा चुका है न्यायिक आयोग की टीम के सदस्यों के द्वारा, जो अभी थोड़ी देर पहले उस जगह पर पहुंचे थे जहां अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ। हत्याकांड वाली जगह पर आकर कैसे टीम्स पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पंकज हमारे सहयोगी एक एक जानकारी हमें दे रहे हैं। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले पर हो रही जांच को लेकर भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं।